आज अपन पढ़ेंगे एरिया। एरिया में देखेंगे समचतुर्भुज। अपन पिछले क्लास में देखे थे समचतुर्भुज के बारे में देखे थे, अब इसमें देखेंगे हम समषष्ठभुज के बारे में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक बार आप देख लीजिए, ए रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, छह समान भुजाओं वाले घिरे आकृति को समचतुर्भुज बोलते हैं। देखिए सम छह भुजा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो इसको बोलेंगे षष्ठ चतुर्भुज, 6 भुजा हैं तो षष्ठ चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज की भुजा ए हो तो विकर्ण की लंबाई 2a होगी। सम चतुर्भुज की भुजा ए है तो विकर्ण की लंबाई 2a। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, अगर ए है तो ए 2a हो जाएगी, ठीक है। तो अपना अपने पास कितने विकर्ण है, देखिए ए डी है, एक विकर्ण ए डी हो जाएगा, दूसरा बी ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, तीसरा सी एफ हो जाएगा, तीन विकर्ण है अपने पास। सम चतुर्भुज का परिमाप, अब परिमाप ज्ञात करना है, अगर ए है तो इसको अगर अपन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए मान लेते हैं, ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 × भुजा इक्वल क्या हो जाएगा, 6 से। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 6√3/4 × a² ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या दिया है, जो भी दिया रहेगा ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए फिर अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, सम चतुर्भुज के परिवृत्त की त्रिज्या सम चतुर्भुज की भुजा होती है, तो ये हो जाएगी सम चतुर्भुज का अंतर्वृत्त की त्रिज्या √3/2 × भुजा। तो क्या है, भुजा की वैल्यू ए होती है, तो √3/2 × a हो जाएगा। अब देखिए हम इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। क्या क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, 6√3/4a² होता है, तो 6 एज इट इज रहेगा, 6√3/4, ए की वैल्यू कितना दिया है जी, 12 दिया है, तो 12 रख दीजिए, तो 4 3 12, तो 6 3 18√3। कहीं भी गलती हो रहा है क्या, ये स्क्वायर था ना जी, तो यहाँ भी इसका क्या होगा, 12 का स्क्वायर नहीं होगा जी, तो यहाँ पे एक 12 और बचेगा ना, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 18√12, तो 12 8 जा कितना होता है जी, 96 होता है। कैरी 9 हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 9 21 और √3, तो 216√3, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। वही देख रहा था कि आप लोग का ध्यान कहाँ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोल रहा है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर है, तो इसके भुजा की माप ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, अपने को भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल इक्वल होता क्या है जी, अभी जस्ट पढ़े थे 6√3/4√a² यही होता है क्या। तो अपने को ये क्षेत्रफल दिया कितना है, 54√3 6√3/4a² होता है, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब 54√4 और डिवाइड में 6 आ जाएगा, तो यहाँ 1 ही स्क्वायर, 6 6 9 54 हो जाएगा, तो 6 9 चौक 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है जी, अगर ये तो ना 6 का होता है क्या, तो अपना भुजा कितना आ जाएगा 6, तो अपना कितना आ जाएगा आंसर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक सम चतुर्भुज का विकर्ण कितना दिया है जी, 16 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे सम चतुर्भुज ऐसे बनता है, इसी को तो विकर्ण बोलते हैं क्या, 3 विकर्ण रहते हैं,
यदि तीन विकर्ण रहते हैं ना, तो इसकी वैल्यू कितना दिया 16, तो ए टोटल 16 दिया तो A8 हो जाएगा, A8 हो जाएगा, तो एक भुजा की वैल्यू 8 दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, तो भुजा कितना दिया 8 दिया है, तो 6√3 / 8 की स्क्वायर, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं जी, 8 × 8 कर सकते हैं, ए 4 6 2 जा, तो 6 × 12 / 8, तो 12 8 96, तो 96√3 होगा, तो कहाँ दिया है जी 96√3 ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सात सेंटीमीटर भुजा के सम षष्ठभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, अपने को पता होना चाहिए, तो जो भुजा की वैल्यू रहती है उसी को परिवृत्त बोलते हैं। परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए अपने को फार्मूला पता होना चाहिए, तो फार्मूला तो अभी बताए थे आप लोगों को, तो √3 डिवाइड में 2 होता है, इंटू भुजा होता है, तो भुजा की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, वो जो भुजा रहता है वही उसकी भी भुजा रहता है, तो 7, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 7 देखिए अब क्या होगा, 6√3 4 और 7√7 होगा, तो देखिए यहाँ से 7 में ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो 7 × 7 49 और 49 दिया, ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा जी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौदह सेंटीमीटर भुजा के समकोण भुजा के अंत वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए मैं जो होमवर्क बोल रहा था यहां तक, तो आप अंतर्वृत्त का जो फॉर्मूला था ए 7 है, तो समचतुर्भुज का वैल्यू 7 ही होगा, ये तो हमें पता ही था, लेकिन जो ए फॉर्मूला था ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, आप लोग भी बोल रहे हैं सर कोई भी चीज़ को होमवर्क दे देते हैं बोल के, इसलिए मैं उसको थोड़ा सोचा, तो फिर मेरे को याद आया कि ए फार्मूला नहीं, ए फार्मूला लगेगा, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा जी, तो परवृत्त का फार्मूला क्या होता है अपना, क्षेत्रफल नॉर्मल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर देखो तो पाई की वैल्यू होता है 12/7, 7 × 7 होगा, तो 7 × 7 कट जाएगा, अब 22 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 × 14 = 4, हाथ लाइए 7 × 14 = 15, 154, 154 किस में दिया है, बी में दिया है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर भुजा के षष्ठ चतुर्भुज के अंत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है जी, अभी लिखा था मैं यहाँ पे √3/2 × भुजा होता है, तो भुजा कितना दिया है 14 दिया है, तो √3 14, तो यहाँ से ये 7 आ जाएगा, तो 7√3 हो जाएगा, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सेम अपने को यहाँ पे भी वृत्त के क्षेत्रफल में यही फार्मूला में रख दीजिए, 12/7 √7/7√3, तो 3 से 3 होगा, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ 154 आ जाएगा, और ये देखिए √3 से 3 हो जाएगा, तो इसको 3, तो 4 × 3 = 12 होगा, हाथ लाइए 1 × 5 = 15, और 15 × 16 = 6, हाथ लाइए 1 × 3 = 4, तो 462 कहाँ पे दिया हुआ है जी, तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी।